कोलकाता के इस अपार्टमेंट में दहशत पसर चुकी थी। दिन दहाड़े भीड़ ने ऐसा आतंक कायम किया कि चारों तरफ बस खौफ ही खौफ था। लाठी, डंडे, लोहे की रोड और ईंट पत्थरों से लैस लोगों की भीड़ जानवरों के झुंड में बदल चुकी थी और भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा थी। भीड़ की करतूत और दहशत का अंदाजा आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही महिलाओं की बातों से लगा सकते हैं। जगह है कोलकाता के पंडितिया रोड पर मौजूद एक अपार्टमेंट की पार्किंग। मोबाइल कैमरे से ली गई ये तस्वीरें रविवार सुबह की हैं और इन तस्वीरों की वजह बना एक रोड एक्सीडेंट। दरअसल हाजरा रोड पर शनिवार देर रात कार की टक्कर से एक स्कूटी चालक की मौत के बाद आक्रोश फैल गया। एक्सीडेंट रात करीब 2 बजे हुआ था। एक मर्सिडीज गाड़ी ने स्कूटर पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मर्सिडीज सवार महिला गाड़ी छोड़कर फरार हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि बाकी 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मृतक के परिजनों ने लेक थाना रोड पर एक अपार्टमेंट की पार्किंग में जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने पार्किंग में मौजूद 70 गाड़ियों को तोड़ डाला। हंगामे और तोड़फोड़ की इस घटना को सोसाइटी के एक फ्लैट में मौजूद माँ बेटी ने अपने मोबाइल से शूट कर लिया। माँ ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे लड़कों को रोकने की कोशिश भी की लेकिन बेटी ने माँ को चुप करा दिया। आवाज सुनकर हंगामा कर रहे लोगों ने माँ बेटी की तरफ नजर घुमाई लेकिन दोनों ने खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार शाम मृतक का अंतिम संस्कार कर वापस लौट रही इस भीड़ ने इस कृत्य को अंजाम दिया। भीड़ ने हाजरा क्रॉसिंग पर भी 40 मिनट तक चक्का जाम किया जिसे कई थानों की पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।